रखो। सो आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है और हम लोगों के लिए स्पेशल दिन है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी के अवतार है। वो क्या है, नेताय होइलो बलराम, कैसे बलराम होइलो नेताय, ये तो हमने गाया नहीं सॉन्ग, हाँ वो गाया नहीं हमने, बलराम होइलो नेताय, चैतन्य बलराम जी क्या बन गए, नित्यानंद प्रभु। ऑर्डिनरी लोगों को, साधारण लोगों को ये नहीं पता नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के बारे में, बट एटलीस्ट गौड़िया वैष्णव जो हम लोग हैं, हम लोगों के लिए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कृष्ण और बलराम का, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि क्योंकि बलराम जी नित्यानंद प्रभु के, बलराम जी साक्षात नित्यानंद प्रभु ही हैं, बट नित्यानंद प्रभु के अवतार में ज़्यादा कृपा के सागर हैं। पहले तो बलराम जी ही इतने कृपा करते हैं, बल देते हैं, नयम आत्मा बल ही न लभ्य हो, इसमें बल नहीं है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, कैसा बल नहीं, कृपा का बल। सो बलराम जी कृपा बल देते हैं कि इससे कृष्ण की प्राप्ति हो, नित्यानंद प्रभु वही करते हैं, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की प्राप्ति कराते हैं। वो सॉन्ग भी है ना, मार खाए प्रेम दे, वो भी नहीं खाया हमने, कौन सा सॉन्ग है वो, मार खाए प्रेम दे, भूल गया मैं। सो नित्यानंद प्रभु मार खा के भी प्रेम देते हैं, सभा कार जाचे यही है, दुर्लभ प्रेम ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम सभा कार जाचे, जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ प्रेम है वो नित्यानंद प्रभु हम लोगों को दे रहे। सो नित्यानंद प्रभु कौन थे और उनके लाइफ हिस्ट्री क्या थी, अगर वो जानना है तो उसके लिए कई रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। जैसे उदाहरण के लिए चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत चर्चा है, तो चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी है और उसमें उन्होंने बहुत डिटेल्स में नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा की है। और एक्चुअली वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के लास्ट डिसाइपल थे और नित्यानंद प्रभु ने खुद ने ऑर्डर किया था कि ठीक है तो तुम अब महाप्रभु के बारे में लिखो, मगर वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु के बारे में लिखने से पहले नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा करना आते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु उनके गुरु हैं और गुरु मतलब गुरुओं के भी गुरु हैं, साक्षात गुरु नित्यानंद प्रभु ही हैं। सो उन्होंने लिखना शुरू किया नित्यानंद प्रभु के बारे में, लिखते गए पूरी बुक नित्यानंद प्रभु से कंप्लीट हो गई। तो उन्होंने कहा मैं महाप्रभु के बारे में लिखूंगा तो ये बुक तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मेरे बाद कोई और आएगा वो महाप्रभु के बारे में लिखेगा। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने फिर चैतन्य चरितमृता में चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखी। सो अगर नित्यानंद प्रभु के बारे में जानना है तो द बुक इज चैतन्य भागवत। और भी कई किताबें जिसमें चैतन्य नित्यानंद प्रभु के बारे में, भक्ति रत्नाकर है उसमें नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा सा है, बट वो कौन थे नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु ही वॉज अ मैड पर्सन, ये चैतन्य चरितमृता में लिखा है। बाउल, बाउल कहते हैं नित्यानंद प्रभु को, बाउल मतलब पागल, लोग पागल कहते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अवधूत की तरह रहते थे। अवधूत मतलब समझते हो, अवधूत मतलब ब्रह्मचारी से के बाद फिर गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास, फिर उसके बाद कुटीचका, कुटीचका एक लेवल है संन्यास से भी ऊपर, फिर उसके बाद बहुदका, फिर उसके बाद परिव्रजकाचार्य, फिर उसके बाद परमाहंस, और उसके बाद अवधूत। लेकिन इमेजिन नित्यानंद प्रभु वहां पर है, महाअवधूत है, अवधूत भी नहीं महाअवधूत, उनको पता ही नहीं दिन है रात है, कौन सामने खड़ा है कौन नहीं खड़ा, कुछ नहीं पता था उनको। कभी कभी नित्यानंद प्रभु नंगे घूमते थे, सारे कपड़े उतार देते थे, क्यों, ऑफ कोर्स क्यों, क्योंकि वो अपने आप को कृष्ण का सखा समझते थे। छोटा बच्चा तो छोटे बच्चे के भाव में होते थे, खेल खेल में अपने हरे कृष्णा कर रहे कपड़े, उनको पता ही नहीं कपड़े उतर गए, उनको समझ ही नहीं आया, उनको पता ही नहीं पता। इसको अवधूत कहते हैं, मतलब जिसको अपने जो जिसको अवधूत सन्यासी होता है, जिसको पता होता है मैं शरीर नहीं हूं,
अवधूत होता है जो शरीर में होता ही नहीं। ये ऋषभदेव जी के बारे में भी आता है, वो शरीर में ही नहीं, आपको लग रहा है वो वहां है मगर वो है नहीं वहां, वो भगवान के साथ है। उनका शरीर भगवान चला रहे होते हैं, वो खुद नहीं चला रहे होते। सो उसको कहते हैं महामुनि, शुकदेव, शुक महामुनि भी कहते हैं। शुकदेव गोस्वामी भी अवधूती थे एक तरह से देखा जाए। भागवत में भी कई अवधूतों की बात आ रही है, जड़ भरत बाद में अवधूत बन गए थे, वो तो परिवेदक आचार्य वैसे तो नेकेड ही रहते हो। सो नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था एकाचक्र गांव में। जन्म मतलब प्रकट हुए, जन तो नहीं होता, आविर्भाव आज के दिन एकाचक्र गांव में। अगर आप वहां पे आज जाएंगे तो बहुत बड़ा फेस्टिवल बन रहा होगा। एकाचक्र गांव कहाँ है? बंगाल में। कौन सी जगह है वो? बहुत फेमस जगह है बंगाल में। आपको पता होगा दुर्गा देवी का एक और नाम है तारा देवी, सुना? तो बंगाल में एक जगह तारा पीठ, पर उसी का नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ था एकाचक्र गांव में। और वहां पर नित्यानंद प्रभु, अगर उनके पास टाइम्स पढ़ेंगे तो ही वॉज अ वेरी नॉटी चाइल्ड बचपन से, और बचपन से वो, उनके फादर का नाम था हड़ाई ओझा, हड़ाई ओझा, और मदर का नाम क्या था? पद्मावती शायद, आई थिंक सारी औरतों का नाम पद्मावती होता है। जब कुछ याद नहीं आ रहा हो तो पद्मावती, दैट्स अ कॉमन थिंग। जब कुछ याद नहीं आ रहा हो कौन से शास्त्र से है तो पद्म पुराण। ऐसा लगता है, बट हो भी सकता है मुझे, मैं भूल गया हूँ। मैं भी उनका नाम पद्मावती, सो आई फॉरगॉटन दैट, बट एटलीस्ट हड़ाई हो जाता है उनके फादर का नाम था, इतना मुझे याद है। और नित्यानंद प्रभु अपने गांव में वहाँ पर रहते थे, और वहाँ जब वो बड़े हो गए तो बचपन से वो कृष्ण के पास टाइम्स खेलते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ भगवान के पास टाइम्स खेलते थे वो। तो नित्यानंद प्रभु और उनके फ्रेंड्स कभी तो बकासुर को मारने का पास टाइम कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, कभी अघासुर को मारने का, कभी त्रिनावर्त, जैसे बच्चे ड्रामा नहीं करते तो वो हमेशा करते थे ड्रामा। कभी नित्यानंद प्रभु और उनके फ्रेंड्स राम और लक्ष्मण, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम राम बन जाओ मैं लक्ष्मण बनूंगा, और किसी को बोला हनुमान बन जाओ, तो कभी वो वाली पास टाइम कर रहे हैं। तो सारे बच्चे सोचते थे कि इनको पता कैसे इतने सारे पास टाइम, और वो भी पूरे डिटेल्स में। नित्यानंद प्रभु बोलते थे कि तुम ये ऐसा कहोगे डायलॉग, फिर मैं ऐसा डायलॉग कहूंगा, फिर हनुमान जी ऐसा कहेंगे, और फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा जब मुझे तीर लगेगा मेघदूत का, और मेघदूत कौन? इंद्रजीत, हाँ मेघनाथ, तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। और फिर उन्होंने कहा हनुमान हनुमान तुम जाके संजीवनी बूटी लेके आना, ऐसे खेल खेल रहे थे। सो खेलते खेलते सीन आ गया इंद्रजीत का, जो बच्चा इंद्रजीत बना था उसने ऐसी खेल में तीर चलाया और नित्यानंद प्रभु को लग गया, और वो बेहोश हो गए क्योंकि वो लक्ष्मण जी का रोल प्ले कर रहे थे, और सारे बच्चे उठाने लगे, उठे ही नहीं, वो असली में बेहोश हो गए। सारे बच्चों ने कहा ये क्या हो गया, मतलब ड्रामा खत्म हो गया, सब रोने लगे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, सब भूल गए कि एक्चुअली हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी। वो बच्चा भी भूल गया कि उसको लग रहा है कि ये तो कुछ हो गया असली में। सो नित्यानंद वो असली में लक्ष्मण जी के आवेश में थे, क्योंकि स्वयं लक्ष्मण ही तो है नित्यानंद प्रभु, वो उन्होंने वहीं उसी में तो पार्टिसिपेट किया उस पास टाइम में। सो सारे बच्चे भूल गए, फिर एक बच्चे को ध्यान आया, अरे हनुमान से कहा हनुमान संजीवनी बूटी, तो वो बच्चा पता नहीं ऐसे उछलते कूदते साथ में कोई ऐसे मिट्टी का पहाड़ था, उसको उठा के ले आया, और उसने कहा मैं संजीवनी बूटी ले आया हूँ। तो एक ऐसी कोई और डॉक्टर बना हुआ था, उसने ली नित्यानंद प्रभु के मुंह में ऐसी कोई जड़ी बूटी, मतलब ऐसी पेड़ वेड़ का कुछ रस निकाल के डाला, और नित्यानंद प्रभु उठ गए जय श्री राम, और फिर उठ गए काय रावण काय, एंड देन दे वर प्लेइंग। सो दे वर नित्यानंद प्रभु उन्हीं पास टाइम राम लीला और कृष्ण लीला को स्मरण करते थे। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं भक्ति। सिर्फ स्मरण नहीं कर रहे, उसको एक्ट भी कर रहे हैं, बचपन से ही एक्ट भी कर रहे हैं। गोपियां भी ऐसी थी, जब भगवान
वहां पे चले गए मथुरा, तो गोपियां क्या कर रही थी पीछे से, गोपियां भी पीछे से, कोई कोई कालिया नाग बन रहा है, कोई गोपी कालिया नाग के सर पे खड़ी है, मतलब किसी और गोपी के सर पीठ पे खड़ी थी और कह रही थी मैं कृष्णा हूं, और कोई कोई गोपी बकासुर बन रही है, दूसरी गोपी कृष्णा बन के कह रही है तुझे मार दूंगी। सो वो इस तरह से एक्ट कर, इसको कहते हैं महाभाव। ये सिर्फ ड्रामा नहीं चल रहा, वो महाभाव में वो पूरे एब्जॉर्ब्ड है कृष्णा पास टाइम में, पूरे एब्जॉर्ब्ड। सो नित्यानंद प्रभु ऐसे करते थे। तो नित्यानंद प्रभु को एक बार उनके घर में एक सन्यासी आया, और उस सन्यासी की हड़ाई हो जाए तो ब्राह्मण थे, तो उन्होंने उस सन्यासी की खातिरदारी की, सब कुछ किया। तो सन्यासी ने कहा मेरी एक मांग है। उन्होंने कहा क्या बताइए। सो उसने कहा कि मुझे आपका पुत्र चाहिए, नित्यानंद प्रभु निताय। सो आई थिंक उस टाइम नित्यानंद प्रभु की एज कितनी होगी, 15-16 एज होगी, कुछ ऐसी कुछ थी। तो हड़ाई हो जाने कहा कि भैया तो अभी छोटा बच्चा है, अभी कहाँ लेके जाएंगे। सन्यासी ने कहा नहीं, मैं एक्चुअली धाम यात्रा के लिए जा रहा हूँ पूरे भारत में, मुझे इस बच्चे की जरूरत है, मेरी सेवा करेगा। अब तुम सोच लो, मैं तुम्हारे घर आया हूँ, खाली हाथ लौटूंगा, ये तुम्हारी तरफ से दान होगा, तुम सोच लो। तो हड़ाई हो जाने कहा कुछ भी मांग लो, मगर अपना पुत्र थोड़ा ना दे सकता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने कहा देखो अब तुम सोच लो। तो हड़ाई हो जा ने अपने वाइफ से डिस्कस किया कि क्या किया जाए, क्योंकि सन्यासी को मना करना भी उस टाइम आप मना नहीं कर सकते। सन्यासी ने मांग लिया तो मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपराध समझते थे, क्योंकि भगवान नहीं मांगा है। सो उन्होंने बहुत डिस्कस किया, उन्होंने कहा हड़ाई हो जाने कहा कि अपने वाइफ से कि देखो राम को भी मांगने आए थे विश्वामित्र, और जनक महाराज ने क्या किया, जनक महाराज ने राम को और लक्ष्मण को भेज दिया, तो अब हमें भी भेज देना चाहिए, हो सकता है हमारा इसमें कल्याण हो। तो नित्यानंद प्रभु को वो सन्यासी लेकर चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो सन्यासी माधवेंद्रपुरी थे, तो नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी के शिष्य बने बाद में। कुछ लोग कहते हैं कि वो सन्यासी ईश्वरपुरी थे, तो ईश्वरपुरी के शिष्य हो गए। हाँ सॉरी ईश्वरपुरी नहीं, सॉरी कह रहा हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य थे, लक्ष्मीपति तीर्थ माधवेंद्रपुरी के गुरु थे। सो थोड़ी डिबेट है, बट वॉट एवर इट इज, वो लेके चले गए। जब वो लेके गए नित्यानंद प्रभु को, तो हड़ाई ओझा ने अपने प्राण छोड़ दिए। उन्होंने कहा मैं नित्याय के बिना नहीं रह सकता, अपने प्राण छोड़ दिए, वो भगवान के पास चले गए। उनकी वाइफ ने भी प्राण छोड़ दिए। सो नित्यानंद प्रभु को सन्यासी फिर लेके सारे भारत में ट्रैवल कर रहे थे, हर धाम जा रहे थे, और नित्यानंद प्रभु हर धाम में जाके किसको ढूंढ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु को। वो मथुरा भी गए, वृंदावन भी गए, और उन्होंने कहा मेरे चैतन्य महाप्रभु तो मिले ही नहीं, कहाँ है वो, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है चैतन्य महाप्रभु। तो वो ढूंढ रहे थे, किसी धाम में मिले ही नहीं, और घूमते घूमते वो कहाँ पहुंचे, नवदीप मायापुर। वहां पे नवदीप मायापुर पहुंचे, तो जब वो पहुंचने वाले थे नवदीप मायापुर, तो चैतन्य महाप्रभु को वहां पे सपना आया। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे अपने भक्तों के साथ, उनको सपना आया कि नित्यानंद प्रभु आने वाले। तो उन्होंने सारे डिवोटीज को बुलाया, उनको बोला देखो एक महान व्यक्ति आने वाला है नवदीप में, जो कि स्वयं बलराम जी के अवतार है, बहुत ही जल्दी आने वाले, जो कि मेरे बड़े भाई हैं। चैतन्य प्रभु कौन है, कृष्णा, नित्यानंद प्रभु बलराम है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने डिवोटी से कहा जाके उनको लेके आओ। तो नित्यानंद प्रभु जब नवदीप में आए, तो वो सीधा महाप्रभु से मिलने नहीं आए। वहां पे एक डिवोटी थे नवदीप में, उनका नाम था चंद्रशेखर आचार्य, उनके घर आके रुक गए। वो अभी भी आज भी उनका घर है चंद्रशेखर आचार्य के, या आपके नंदन आचार्य क्या, आई थिंक नंदन आचार्य का, चंद्रशेखर आचार्य ने आई थिंक नंदन आचार्य क्या, उनके यहाँ रुक गए, और वहां पेड़ के नीचे बैठ के भगवान चैतन्य महाप्रभु पे ध्यान कर रहे हैं। पूरे इंसिडेंट डिस्क्राइब बहुत डिटेल्स में आई। तो महाप्रभु ने सारे डिवोट्स को ढूंढ के आओ, किसी को मिले ही नहीं नित्यानंद प्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने अपने आप को छुपा के रखा हुआ था, किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे मगर दिखाई नहीं दिए। सबने ढूंढा, कुछ किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया।
क्योंकि नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि उनको कौन मिलने आए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनसे मिलने आए। वो सबसे पहले महाप्रभु को देखना चाहते थे आंख खोल के, और किसी के दर्शन नहीं करना आते थे। जैसे राधा, राधा का जन्म हुआ, जब प्रकट हुई तो आंख ही नहीं खोल रही थी वो, पता है ना, वृषभानु को कमल पे मिली थी वो, तो आंख ही नहीं खोल रही थी, तो सबने सोचा कि वो अंधी है। बहुत दुखी हुए लोग कि अंधी हैं, बहरी भी हैं, कुछ सुनी नहीं रही, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो उन्होंने कहा एक ऐसी बच्ची है, सब दुखी थे वृषभानु, और वो नारद मुनि है, नारद मुनि ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत स्पेशल लड़की है, आप इसका आप फेस्टिवल, आप इसका बर्थडे बनाइए, और उस बर्थडे में पूरे व्रज को बुलाइए, स्पेशली नंद बाबा और उनके पुत्र कृष्ण को बुलाइए। तो राधा रानी एक साल छोटी है कृष्ण से, तो सब लोग आए, नंद बाबा, वृषभान, मतलब यशोदा माँ, सब कृष्ण को लेके आए, बर्थडे अब मना रहे तो सब आए। तो उस टाइम कृष्ण की एज 1 year 15 days ऐसी कुछ थी, तो एक साल में बच्चा चलने लगता है, एटलीस्ट रेंगने तो लगता ही है एक साल में नहीं। तो कृष्ण आए और कृष्ण रेंगते रेंगते राधा रानी के पलंग पे पहुंच गए, और जैसे ही वो राधा रानी के सामने पहुंचे शक्ल देखने के लिए, राधा रानी ने आंख खोल दी, क्योंकि सबसे पहले किसके दर्शन चाहती थी वो, कृष्ण के। और ठीक हो गई, सब खुश हो गए। ऐसे नित्यानंद प्रभु समाधि में बैठे थे और वो चाहते थे कि सबसे पहले आंख खोले तो गौरांग महाप्रभु के दर्शन हो, क्योंकि उन्हीं को ढूंढ रहे ना कई सालों से, तो उस भिगोटी से कोई मिले ही नहीं, वो दिखाई नहीं दे। तो उन्होंने कहा महाप्रभु हमें तो किसी कुछ दिखाई नहीं दिया। महाप्रभु ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे पता है कि निताय मेरे साथ क्या कहते हैं, लुका लुकी समझते हो, छुपा छुपी खेल रहे, अब वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो महाप्रभु खुद लेके गए सबको कीर्तन करते, और नित्यानंद प्रभु वहाँ पेड़ के नीचे बैठे थे, महाप्रभु गए और महाप्रभु ने अपने डिवोटी से बोला कीर्तन करो, सबने कीर्तन किया। तो नित्यानंद प्रभु ने शक्ल अपनी आँख खोली और चैतन्य प्रभु के दर्शन किए, और चैतन्य प्रभु ने नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए, दोनों गले मिले, और पता नहीं कितने 5-6 घंटे बेहोश ही हो गए गले मिल के, उनको पता नहीं लगा नित्यानंद प्रभु। और फिर उठे और फिर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के पैर पकड़ना चाहते थे और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के, और ऐसे दोनों वाज अ फाइट। तो डिवोटीज देखने कौन आ गया है, नहीं डिवोटीज को पता ही नहीं कौन है। तब नित्यानंद महाप्रभु ने कहा कि ये नित्यानंद प्रभु हैं, साक्षात बलराम जी के अवतार हैं और अब हमारे साथ रहेंगे। तो नित्यानंद प्रभु साथ में हो गए। तो महाप्रभु ने कहा नित्यानंद प्रभु आप श्रीवास ठाकुर के यहाँ रहिए। श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के बहुत बड़े डिवोटी थे, उनकी वाइफ का नाम क्या था किसी को पता है, उनकी वाइफ का नाम मालिनी देवी थी, तो आप उनके यहाँ रहिए, काफी ओल्ड थे वो, तो आप उनको अपना अपना पिता और अपनी माता मान लीजिए। और उन्होंने कहा ठीक है हम भी नित्यानंद प्रभु को अपना पुत्री मानेंगे। तो उनके यहाँ रहते थे, कोई रहने की जगह तो होनी चाहिए ना, वैसे भी अवधूत थे, उनको ना खाने का पता है ना कपड़े पहनने का पता है। तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर से कहा कि आप केयर कीजिए प्लीज इसके, क्योंकि इनको कुछ समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं। तो एक बार नित्यानंद प्रभु तो नवदीप में वो है ना आपकी, तो कहते हैं गंगा जी तो बह रही है सामने से। एक बार नित्यानंद प्रभु गंगा जी में जाके कूद गए और वहां पे मगरमच्छ भी बहुत सारे, तो मगरमच्छ से खेलने लगे वो, इनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं वो। सारे डिबूटी जाकर उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, मगरमच्छ खा जाएगा। नित्यानंद प्रभु मगरमच्छ की पूछ पकड़ के उसको हिला रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं। वो उनको से बोला कृष्णा बोलो तुम इतने दुर्भाग्य तुम्हारा, तुम क्या कर रहे हो। महाप्रभु के डिवोटीज ऐसे ही है नहीं, महाप्रभु के डिवोटीज, महाप्रभु के भक्त आज तक ना किसी ने देखे हैं ना कोई देख पाएगा आगे, बड़े विलक्षण है। एक महाप्रभु के डिवोटी थे मुरारी चैतन्य, तो जंगल में जाके सब सारे जानवरों से बोलते थे कृष्णा बोलो, तो शेर सो रहा होता था, शेर को थप्पड़ मार के बोलते थे सो क्यों रहा है, शेर को मतलब यू कैन इमेजिन कौन कर सकता है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में लिखा है कि महाप्रभु के भक्तों की शक्ति की गणना कोई नहीं कर सकता। चैतन्य प्रभु के एक डिवोटी थे कहाँ थे, आकना महेश में, क्या नाम था उनका, आकना महेश में एक डिवोटी थे, आई फॉरगॉट हिज नेम। वो जब कीर्तन करते थे तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता था, दैट वॉज हिज पावर। ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में पावर है, उनके उनके नाम लेने में ये शक्ति है।
और जब वो कीर्तन करते थे तो सारे जंगल से सारे जानवर आ जाते थे उनके कीर्तन में, वो भी नाचते थे और कीर्तन खत्म होता था तो चले जाते थे। इस तरह के डिवोटी से महाप्रभु के, और इस तरह का प्रेम देने आए नित्यानंद प्रभु। अगर हम नित्यानंद प्रभु की कृपा लेंगे तो हमें भी ऐसा प्रेम मिल जाएगा, हम भी हरे कृष्णा करेंगे और बटाला के सारे कुत्ते आ जाएंगे, वाह वाह ये क्या हो गया, वो भी नाचेंगे और फिर आप कीर्तन बंद करोगे चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है? सो एनीवे वो ऐसे डिवोटीज थे, नित्यानंद सारे नित्यानंद प्रभु के ही डिसाइपल्स थे सब, जो डिवोटीज मैं बता रहा हूँ ना, मतलब एक तो कुछ डिवोटीज चैतन्य महाप्रभु के परिवार में थे, कुछ डिवोटीज नित्यानंद प्रभु के परिवार में थे। स्पेशली जो नित्यानंद प्रभु के परिवार में डिवोटीज थे वो थोड़े साइको टाइप के थे सब, साइको मतलब स्पिरिचुअली साइको, मतलब वो अजीब अजीब काम करते थे जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। सो एक डिवोटी थे, कौन थे वो, मैं नाम कैसे बोल रहा हूँ, बड़े सारे नाम भूल गया मैं, तो वो जब कीर्तन करते थे तो कीर्तन करते करते दूसरों के कंधे पे कूद के बैठ जाते थे, ऐसे थे वो। और वो पता नहीं क्यों, दैट वाज ही एक्सटेसी में, उनको पता नहीं होता क्या हो रहा है। सो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की टोली में एडमिट हो गए, महाप्रभु ने कहा हमारे साथ रहेंगे, जब भी कीर्तन करूंगा हमारे साथ रहेंगे और आप सब भी नित्यानंद प्रभु की रिस्पेक्ट करेंगे सब लोग। सो महाप्रभु ने कहा कि महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का कॉपिन लिया, कॉपिन लंगोट ली और उन्होंने उसके उसके टुकड़े टुकड़े किए और सबसे कहा कि अपने सर पे बांध दिए सब लोग, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना मेरी कृपा मिलना असंभव है। एक डिवोटी थे महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु एक बार बैठे हुए थे तो एक डिवोटी महाप्रभु के दर्शन करने आए तो महाप्रभु को पहले प्रणाम किया, तो महाप्रभु खुश नहीं, महाप्रभु ने कहा पहले पहले निताय को प्रणाम करो फिर मुझे प्रणाम करना, क्योंकि निताय की कृपा के बिना मेरी प्राप्ति नहीं होती। ऐसी एक्चुअली एक और महाप्रभु की लीला में एक और डिवोटी थे रघुनाथ दास गोस्वामी, सुना ये तो बताओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से मिलने की बहुत कोशिश की, महाप्रभु ने भेज दिया वापस, महाप्रभु ने कहा अभी टाइम नहीं आया है। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर में रहते थे सप्तग्राम में, तो नित्यानंद प्रभु एक बार आए पानीहाटी में बंगाल में, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे मिलने गए महाप्रभु से, महाप्रभु ने कहा नहीं तुम वापस जाओ अभी टाइम नहीं आया है। फिर एक बार और ट्राई किया उन्होंने महाप्रभु से मिलने की, फिर से महाप्रभु ने कहा नहीं अभी टाइम नहीं, अभी घर जाओ। तो उनके माता पिता ने उनका पकड़ के विवाह करा दिया, ये अकल आ जाएगी इसको, मगर वो रघुनाथ दास गोस्वामी थे तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो महाप्रभु की शरण लेके रहूंगा। सो फिर एक बार नित्यानंद प्रभु आए पानीहाटी, तो रघुनाथ गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से मिलने गए और नित्यानंद प्रभु से कहा कि आप मुझे कृपा दीजिए कि महाप्रभु के दर्शन हो सके। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम चोर हो, क्योंकि तुम मेरे मेरी परमिशन के बिना चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए थे, गए नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा मैं गया था, महाप्रभु ने तो मुझे लिटा दिया, कि उन्होंने कहा क्योंकि तुम चोर हो, तुम मेरे चैतन्य महाप्रभु को सीधा चुराना चाहते थे मेरी परमिशन के बिना, इसलिए जो महाप्रभु के पास जाता है बिना नित्यानंद प्रभु के परमिशन के वो चोर है, उसको चोर कहा जाता है। कभी नित्यानंद प्रभु जब बंगाल में थे तो एक मंत्र बोलते थे, मंत्र क्या एक सॉन्ग बोलते थे, क्या था वो, कैसे गौरंग भज, कैसे वो, हाँ भज गौरंग लह गौरंगो कहो गौरंगे ना नाम रे, जय गौरंगा ना जय गौरंगा जय गौरांग भजे सही तो हमार प्राण रे, वेरी नाइस सॉन्ग। सब बोलते थे कि नित्यानंद प्रभु सबको बोलते थे कि भज गौरंगो कहो गौरंगो, गौरंग महाप्रभु गौरंग बोलो, जो गौरंग का नाम लेगा वो मेरा प्राण है, उस पर मेरी सारी कृपा है। सब तब नित्यानंद प्रभु ने कहा ठीक है रघुनाथ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, और फिर नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद के बाद फिर वो घर से बाहर निकल पाया महाप्रभु के दर्शन हो जगन्नाथपुरी में।
उससे पहले उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, हो ही नहीं रहे थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना महाप्रभु की कृपा नहीं मिलती। इनफैक्ट नित्यानंद प्रभु तो ऐसे मार खाए प्रेम दे, जगाए मधाए, सुना है जगाए मधाए का इंसिडेंस? जगाए मधाए इतने बड़े पापी थे, जगाए मधाए ने सारे पाप किए थे, मतलब जो भी सोच सकते सबके, मर्डर, रेप, चोरी, सब कुछ किया था उन्होंने। और नित्यानंद प्रभु उनके पास गए, उन्होंने कहा कृष्ण का नाम लो तुम लोग, तो जगाए मधाए ने, तो मधाए ने उनके सर पे, वो नहीं होता एक पॉट मटका सर पे मार दिया, खून निकलने लगा। तो उन्होंने कहा भाग जाओ यहां से, तुम लोग कृष्णा कृष्णा बोलते हो, नॉनसेंस। तो चैतन्य महाप्रभु आ गए, हाँ गुस्सा होकर, उनको पता लग गया मेरे नेताय को मारे, वो गुस्सा होकर आ गए और उन्होंने कहा मैं चक्र से इसका गला काट दूंगा। नित्यानंद प्रभु ने रोक लिया, नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं महाप्रभु, आपका अवतार कृपा करने के लिए, मारने के लिए नहीं है। अगर आपको मारना ही है तो आप इनके, इनमें जो क्रोध है, द्वेष है भक्तों के प्रति, वो मार दीजिए। तो वहां प्रभु ने कहा ठीक है। और नित्यानंद प्रभु की के प्रार्थना से महाप्रभु ने जगाए मधाए पे कृपा कर दी, उनके सारे पाप ले लिए। और तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, महाप्रभु ने कहा देखो वैसे तो मैं तुम्हें मार देता, मगर क्योंकि नित्यानंद प्रभु रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं मना नहीं कर सकता, तो तुम सारे पाप मुझे दे दो। तो जैसे ही महाप्रभु ने बोला सारे पाप मुझे दे दो, महाप्रभु का पूरा शरीर काला पड़ गया कि सारे पाप उन पे आ गए। और फिर महाप्रभु ने सारे पाप हटाए और फिर से गोल्डन फॉर्म हो गया और जगाए मधाए से कहा अब तुम आगे से पाप नहीं करोगे और जाके गंगा जी के पास रहो, सारे वैष्णव की सेवा करो और भगवान का नाम 24 घंटे भगवान का नाम लो। और फिर उसके जगाए मधाए बहुत बड़े भक्त बन गए। किसकी कृपा से? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। रघुनाथ दास गोस्वामी को किसकी कृपा से महाप्रभु की प्राप्ति हुई? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। सो नित्यानंद प्रभु की मर्सी है। जब फिर उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए, संन्यास ले लिया ना उन्होंने, संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी चले गए। तो नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य प्रभु के पास साथ साथ गए, वो छोड़ते तो नहीं थे। मगर महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि तुम नित्यानंद, तुम अब दोबारा बंगाल जाओ और बंगाल जाके प्रचार करो। पुरी में तो मैं प्रीचिंग कर रहा हूं, क्योंकि अब बंगाल में तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सिवाय बंगाल में कोई प्रीचिंग नहीं कर सकता। और मगर एक काम करना, तुम बंगाल जाके प्रीचिंग करना और बड़े बड़े जो धनी लोग हैं उनको प्रीचिंग करो, उनको लेके आओ, क्योंकि वो आ जाएंगे तो बाकी सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे, उनको इन्फ्लुएंस करो। तो नित्यानंद प्रभु वापस बंगाल गए और महाप्रभु ने बोला कि अब तुम वहीं पर रहना, अब ज़्यादा मिलने मत माना आना मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रीचिंग इंपॉर्टेंट है। नित्यानंद ने कहा ठीक है। वो चले गए, जाके पानीहटी गए, एक गाँव पानीहटी में, पानीहटी के पास एक गाँव खड़दा, तो खड़दा में एक बहुत बड़ा महल है, महल में वो रह रहे थे, बहुत बड़ा फोर्ट है उन्होंने बनवाया, भगवान की मूर्ति स्थापित की, वहाँ पे रहते थे। और उन्होंने दो शादियाँ की फिर, जानवा देवी और वसुधा देवी। ये कौन थी? ये सूर्यदास पंडित की पुत्री थी और स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार। कोई साधारण औरतें नहीं है ये। बलराम जी की वाइफ कौन है? रेवती। तो उनका अवतार है, बलराम जी की शक्ति का अवतार है। तो उनसे विवाह किया और विवाह करने के बाद नित्यानंद प्रभु जब प्रीचिंग करने आते थे तो बाकी सब लोगों ने सोचा कि नित्यानंद प्रभु का फॉल डाउन हो गया। नहीं, मतलब पहले अवधूत थे, सन्यासी के ऊपर भी कितनी ऊपर नहीं, कुटी चका बहु धका प्रवेशकाचार्य परमहंस और अवधूत और अब शादी लो गृहस्थ आश्रम। तो सबने सोचा अभी तो नित्यानंद प्रभु का दिमाग खराब हो गया, फॉल डाउन हो गया, आकर माया में पड़ गए नित्यानंद प्रभु, इतने बड़े महल में रह रहे हैं, शादी हो गई। और फिर उसके बाद बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे नित्यानंद प्रभु और हीरो की अंगूठी हर उंगली पे और टर्बन पहनते थे, उस पर भी हीरा था और पान खाप खाते थे और ऐसे चलते थे प्रीचिंग। तो हमने कहा ये क्या है, तो ढोंगी बन गए। तो मगर नित्यानंद प्रभु ये सब क्यों करने, उसके पीछे कारण था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही घूमता रहूंगा अवधूत बन के, तो जो बड़े बड़े धनी लोग हैं वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, कहेंगे कि आप भिखारी लोग हैं। और महाप्रभु ने कहा था कि तुम जोड़ो सबको। तो नित्यानंद प्रभु जानबूझ के ऐसा बिहेव कर रहे थे
अच्छे अच्छे घर में रहना, वाइफ और अच्छा पहनना, तो बड़े बड़े धनी लोग अट्रैक्ट हो गए। बड़े बड़े लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दत्त ठाकुर, बहुत बड़े जमींदार थे, डिवोटी बन गए, बहुत सारे लोग डिवोटी बन गए, और प्रीचिंग बंगाल में बहुत ज्यादा हो गई नित्यानंद प्रभु की कृपा से। नित्यानंद प्रभु ने दिखाया कि भगवान की सेवा में सब कुछ हम लगा सकते हैं, जो अगर जरूरत है तो भक्त कुछ भी करने को तैयार हो जाना चाहिए। ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मचारी सोच ले मैं भी शादी करूंगा प्रीचिंग करूंगा, वो कोई मतलब नहीं है, वो नित्यानंद प्रभु का डिसीजन था। बट हम कर सकते हैं, भगवान सब कुछ तैयार होना चाहिए भगवान के लिए करने के लिए, बट देन यू हैव टू आस्क सम डिवोटी। नित्यानंद प्रभु बस ये प्रिंसिपल दिखा रहे हैं, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य कहते हैं कि युक्त वैराग्य मतलब झूठा वैराग्य होता है कि सब कुछ छोड़ देना, युक्त वैराग्य होता है कि जो भी भगवान की सेवा में जरूरत है वो ले लो, जो नहीं है वो छोड़ देना। जैसे हम लैपटॉप यूज करते हैं तो कोई कहेगा यार ये तो लैपटॉप यूज करते हैं क्या कर रहे हैं, तो हाईफाई है वेल, जो जरूरत है हम करते हैं, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, नहीं ये डिवोटी नहीं है, ये क्या है, ये तो लैपटॉप यूज करते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, अच्छा खाते हैं, वेल हमें से कोई मतलब नहीं है। हमें ना भोग से मतलब है ना त्याग से, हमें किससे मतलब है, कृष्ण की सेवा से, हमें वो करना है, उसमें जो भी जरूरत है करो। नित्यानंद प्रभु ने अपनी लीला से दिखाया, क्योंकि किसी अवधूत के लिए शादी करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं अगर अभी कोई सन्यासी शादी कर ले तो वो तो मर ही जाएगा निंदा से, इतनी बेइज्जती होगी नहीं। मगर नित्यानंद प्रभु अवधूत होके उन्होंने विवाह किया, एक नहीं दो, और उन्होंने कोई परवाह नहीं कि लोग मेरी निंदा करेंगे, उनके पास एक ही फोकस था कि भगवान की प्रीचिंग होगी, तो उन्होंने कर लिया बस। तो हमें भी नित्यानंद प्रभु से सीखना चाहिए। इसको कहते हैं बलराम, बल बल देते हैं भगवान, बल देते हैं कि जिससे हम लौकिक ओपिनियंस को छोड़कर भगवान की सेवा में फिक्स्ड हो सकें, वरना हम शर्म करते रहेंगे, हाय वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, मैंने तिलक लगाया है वो क्या बोलेगा, चैंटिंग कर रहा हूँ वो क्या बोलेगा, सब ये सोच फिर आप शर्माते रहोगे, डरते रहोगे। मगर भगवान नित्यानंद प्रभु की कृपा आएगी तो पावर आ जाएगी, फिर आप वो कर सकते हो जो सोच भी नहीं पाओगे, आप खुद ही नहीं सोच पाओगे मैंने कैसे कर दिया। नित्यानंद प्रभु बंगाल आए, प्रीचिंग की इन्होंने, और फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु वहीं पर आए, उनके पुत्र हुए वीरचंद्र नित्यानंद प्रभु के, और उन्होंने फिर प्रीचिंग की वीरचंद प्रभु ने, और नित्यानंद प्रभु फिर महाप्रभु जब अपने धाम चले गए, नित्यानंद प्रभु ही उनके साथ वापस धाम चले गए। ये नित्यानंद प्रभु है। हरे कृष्ण, नित्यानंद प्रभु की जय।